Our staff need YMC song or कुछ थोड़ी सी मूवमेंट भी उस पर रखी थी, लेकिन ना मूवमेंट नजर आ रही है और ना मुझे स्टाफ के लोग नजर आ रहे हैं. इट हैज बीन अ डिसअरे. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू, आई हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग मेनी फंक्शंस एंड आई हैव कम टू यू ऑन द स्टेज फॉर सो मेनी टाइम्स. दिस वन फंक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एंड द क्रेडिट गोज टू हर. So, for her it is the first time, Miss Erin Nansen, jo abhi thi Benin. And Erin Nansen is our first woman program secretary. So, let's give her credit. After 1876, when this organization in Lahore was established, when this building was made, she is the first woman to serve as our program secretary. And hopefully we'll be able to groom her and train her in the coming years. And she'll prove to be a nice asset for the communities, not only our Christian communities, for all communities. Actually, we have been hurt so much. तो वो बात फिर वो कम्युनिटी और कम्युनिटीज की करते हुए लोग आते हैं. एक्चुअली वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट. हमारे को उतने अच्छे हालात नहीं हैं इस मुल्क के. और व्हाट वी कैन डू इज, और व्हाट वाईएमसी हैज ऑलवेज बीन डूइंग इज ट्राई, डिस्पाइट बीइंग हैविंग द स्ट्रक्चर एंड थिंग्स, वी आर प्राउड दैट वी स्टिल कॉल आवरसेल्व्स अ मूवमेंट. And this movement, as our president just mentioned, is present in, is working in 120 countries of the world, and Pakistan is one of them. And we have been very sure about doing what we do. We do little work, but we do it ourselves. We do not ask for any foreign aid or anything. But I will say that we need to continue with in our spirit. And the thing is, what we want to do is, we want to change the upgrade and change the YMC along with the changing times. I'm trying my best to do that. And ever since I took over in 2020, we have not been able to save even the 1 rupee. Whatever we have earned, we have spent. But we have spent it on good purpose, on maintaining this building, on ensuring that good work is done. We're trying our best to ensure. मैं खुद क्योंकि डेवलप प्रैक्टिशनर हूँ और मैं समझता हूँ कि
सोसाइटी उस वक्त तक इनकम्प्लीट है जब तक सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले नहीं करती टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स टुवर्ड्स द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द दोज हु आर वल्नरेबल और पर्टिकुलरली आप जब तक काम नहीं करते जो आपकी सोसाइटी के अंदर आपके माशरे के अंदर जो एक नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द सोसाइटी है तब तक आप उनकी अपनी के लिए काम नहीं करते सो वाई एम सी बहुत स्टेट नंबर जब पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता था यहाँ से गुजर के बैठते थे तो वाई एम सी ए को मैं बाहर से देखा करता था आज मुझे आपने दावत दी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका आपकी पूरी टीम का खासकर आपके बोर्ड की मैं आपके साथ पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान का आइन हुकूमत हमेशा उनकी अवलीद करती रही कि जो हमारा आइन कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हम उसको इन लेटेस्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें और फिर मैं वाकई क्रेडिट देता हूँ पीपल ऑफ पाकिस्तान जो हमेशा माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं मेरे लेफ्ट राइट आगे पीछे रहने वाला मुसलमान भाई या बहन वो जब तक उसकी सपोर्ट मुझे ना हो जब तक मुआशरे के अंदर वो मुझे रिस्पेक्ट गुजार ना करे तो मैं शायद उसकी जैसे एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता लेकिन सब चीज़ों के बावजूद इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को एड्रेस करना उन इश्यूज़ को ओवरकम करना ताकि जड़ावाला वाला जैसे वाक़ात ना हो सुरगोदा वाले वाक़ात ना हो तीन दिन दो दिन पहले मुझे किसी साहब की डेथ हो गई है बड़ा एक इंतहाई दुख का लगा है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि उनकी आगे की मुश्किलें आसान करें और पाकिस्तान के अंदर पीस आया माना है जब हॉस्पिटल में एडमिट थे सी एम एस ऑलरेडी मैं खुद उनको देख लिया उनके बेटे से मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई सैड विद हिम और वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए तो इस वक्त स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट की मशीनरी से काम ही कर रही है कि जो कल्प्रिट्स हैं जो ये पूरा इवेंट होता है कि वो तो कर गए बट उसका जो खमियाजा स्टेट भुगतती है नेशनली और इंटरनेशनली से शायद उसका अंदाजा उन लोगों ने नहीं किया जब ये सारे और आपकी से हो रहा था तो हम सब पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तान हमारी धरती है इस पाकिस्तान के साथ हमारा एक रिश्ता ऐसा है अमीर में हमारा जन्म हुआ तो हम सब ने मिल के इस पाकिस्तान की तरक्की में खुशहाली में अपना किरदार अदा करना है रेस्ट श्योर कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो कायदाना सलाहियत है जो उनकी सोच है वो हमेशा माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं वो हमेशा कहते हैं कि मैं माइनॉरिटी को अकलीत के लफ्ज़ से मुझे कहना है अकलीत नहीं हम सब पाकिस्तानी और अकलीत अफसर की तकसीम नहीं होना चाहिए लेकिन क्योंकि हम अद्वितीय बात से हम रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं हमारी अपनी पहचान है तो मेरी वाइफ से इसकी गुजारिश होगी लेट्स वर्क टुगेदर टू ब्रिंग पीस टू ब्रिंग कोएग्जिस्टेंस टू ब्रिंग रिलीजियस टॉलरेंस इन द सोसाइटी आइंदा कुछ दिनों में हम एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम अपने डिपार्टमेंट का अगले पाँच साल का एक रोड मैप मुतय्यन करने जा रहे हैं मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल रख रहे हैं उसमें सिविल सोसाइटी का एक बड़ा क्रिटिकल और क्रूशियल रोल होगा मेरी दो दिन पहले मुझे जनरल साहब से बात हुई है कल मैं और भी हमारे बहुत बड़े सिविल सोसाइटी के नाम उनके साथ बैठा था आई हैव स्पोकन टू द वर्ल्ड बैंक आई हैव स्पोकन टू द डिफरेंट मल्टीलेटरल बायलेटरल कम फॉरवर्ड सिर्फ विद अस लेट्स वर्क टुगेदर और जो ये वाक़ात हो रहे हैं वाक़ात को भी रोककर खासकर जिस तरीके से आप भी काम कर रहे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट यू एमएनएल साहब कि आप लोगों की अपलिफ्ट के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें उनके अंदर स्किल्स इम्पार्ट करें बोथ टेक्निकल वोकेशनल और अगला जो एरा आ रहा है वो मरियम साहब भी बार बार बात करिए डिजिटल एरा की बात करिए और डिजिटल लर्निंग की बात करें ई लर्निंग की बात करें तो अगला जो दौर है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है अगला जो दौर है वो तो ई कॉमर्स का है अगला जो दौर है वो तो ई लैंग्वेज है अगला जो दौर है वो तो रोबोटिक्स है सो लेट्स वर्क टुगेदर कि हम जहाँ पे बच्चों को ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करें लेट्स डू इट बट हाउ हम इनको जो अगला दौर है जो उनको दुनिया के साथ कैसे जोड़ सकते हैं ताकि हमारा जो बच्चा नारोलाल के ऐसे गाँव में बैठा है जो बिल्कुल फॉर्मलाग एरिया है उसको हम कैसे सॉल्ट लेक सिटी के साथ जोड़ सकते हैं हम उसको कैसे न्यूयॉर्क में बैठे हुए बिजनेस मैन के साथ जोड़ सकते हैं हम उसको कैसे टोरंटो में बैठे हुए एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ सकते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो वो यहाँ बैठ के ऐसे ऐसे एक तो पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट करे फॉरन एक्सचेंज लेके दूसरा अपने मुआशरे के अंदर अपनी सोसाइटी के अंदर अपना एक किरदार अदा कर सके सो लुक फॉरवर्ड लेट्स वर्क टुगेदर मैं आपको दावत दे देता हूँ आइए मेरे दफ्तर बैठते हैं मिलकर बैठ के मैं आपके पास आने को तैयार हूँ आपकी टीम के साथ मिलकर बैठ के काम करने को तैयार हूँ बिकॉज जिस तरीके का ट्रेमेंडस का औसम किस्म का काम आप कर रहे हैं
इस वाकई इस वक्त जिस रीड ऑफ टाइम और हमें इसके और आगे काम करने की जरूरत है. माई सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, गवर्नमेंट की सपोर्ट इज ऑलवेज देयर. एंड जस्ट श्योर कि हमारी हुकूमत अकलियत दोस्त हुकूमत है, हमारी हुकूमत अकलियत को अपडेट करने की बात करती है, हमारी हुकूमत अकलियत के साथ खड़ी है, हमारी हुकूमत अकलियत के मिसाइल को हल करने की बात करी है. और हम जब किसी ये सारी बात करते हैं तो वी मीन बिजनेस बेसिस में इस आपके इश्यूज को एड्रेस करना और आपकी कंसर्न्स को एड्रेस करना, ताकि आपको भी पाकिस्तान के अंदर इस सोसाइटी के अंदर एक ऑनरेबल एक रिस्पेक्टेबल शहरी के तौर पर आप जिंदगी गुजार सकते हो. और आपको भी अपने मजहबी इबादतगाह महफूज हो और आप भी अपने मजहबी जो फ़ायद है वो तनदेही के साथ अपनी इज्जत के साथ और अपने मजहबी अकीदत के साथ आप सेलिब्रेट कर सकें. एक और फिर आप तमाम दोस्तों का, पूरी वाइल्ड एम सी की टीम का, मैनेजमेंट का, बोर्ड का, मेरी बहन अरीदा खादर हुसैन का, मामा फैलबू सर का, अमेंदर साहब मैं जा चुके हैं, उनका बाकी दोस्तों का जितने पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे, सबका शुक्रिया. खुदा हामी ना करो. पाकिस्तान जिंदाबाद. आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और मुझे मौका मिल रहा है आप सबके साथ यहाँ बात करने का. सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि वाई एम सी ने अपनी 180 साल का एक बहुत बड़ा अरूज से भरा हुआ अपना ये 180 साल का जो सफ़र है उसे आज मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को नए सिरे से शुरू करने का, अपने रोज़गार को मुस्तहकम करने का, यहाँ जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया उससे आप लोगों को जो मुस्तफीद कर रहे हैं वो यकीनन तारीफ के काबिल है. यहाँ हमारे इमानुअल सरफराज भाई हैं, मुझे सब नज़र नहीं आ रहे हैं कहाँ हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहती चलूँ कि मायूसी गुनाह. कभी भी अपनी ज़िंदगी से, माहौल से या फिर आने वाले हालात से मायूस नहीं होना चाहिए. आपका और मेरा खुदा एक ही है. आपकी और मेरी किताब में वो वाज़ह लफ्ज़ों में कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर मांगी हुई चीज़ें तुम्हें अता करूँगा. हम सब अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं. मेरा मज़हब, मेरे तमाम पैगंबर, मेरी किताब मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं दूसरे मज़ाहब के लोगों पर उंगली दूँ, उनकी कही हुई या सोची हुई बात पर मैं तनकीद बेहतर अंदाज में करूं, ना कि उनकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनूं. हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, लेकिन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे दिल के बहुत करीब है. हमारा मुसलमानों का और क्रिश्चियंस के दरमियान जो मुआहदा है वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कर दिया था और उनको अपनी अमान में रख लिया था. तो ये जो आज हम छोटे छोटे सोशल इश्यूज़ की तरफ इशारा करते हैं तो ये हमारे अपने पैदा करते हैं. ना मेरा मज़हब ना आपका मज़हब किसी पर तशद्दुद करने का कतई तौर पर इशारा नहीं देता ना हुक्म देता. हम सबको हमारी किताबें जो आसमान से हमारे लिए नाजिल की गई ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से गुजारें, तो उन तमाम किताबों में साफ तरह से लिखा गया है कि फसाद करने वाले को खुदा ताला पसंद नहीं करता. तो जो लोग फसाद पैदा करते हैं वो ना हम में से हैं ना आप में से हैं. हम सब यहाँ पर जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पर रहने वाली तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या मुसलमान हो, उस वक्त हम सब ने मिलकर ये जंग लड़ी थी कि हम सबको एक आज़ाद रियासत चाहिए. वो रियासत जहाँ पर आप और मैं अपनी मजहबी रसूमात को आज़ादाना तरीके से अदा कर सकें. अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म के वो जो नकाब थे कम्युनिटी के बारे में, मिनॉरिटी के बारे में, उसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरी तरह से फॉलो किया, क्योंकि आप लोग हमारे दिल में बसते हैं. यहाँ पर कोई मिनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं.
और यहाँ पर पैदा किए गए। मैं बार बार लफ्ज ये अदा करती हूँ कि जो माहौल यहाँ पैदा किया जाता है वो फसादी लोग हैं, और फसाद की किसी माशरे में किसी मज़हब में कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों का हमारे साथ मिलकर, हमारा आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने का मकसद है पाकिस्तान को आगे बढ़ाना। ये प्यारा मुल्क हम सब का मुल्क है। जब झंडे के अंदर हम दोनों लोग मौजूद हैं तो कोई दूसरी बात रह नहीं जाती। जहाँ ये बात की गई, इमानुअल साहब ने कहा कि आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए या मिनॉरिटीज़ के लिए राहीदार बहुत काम किया, तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी थी। मुस्लिम लीग नून ने इस जिम्मेदारी को समझा। तकरीबन अभी एक साल नहीं हुआ क्यों बाबा फैलबूस, अभी एक साल नहीं हुआ हमारे ऑर्गेनाइज करने का कम्युनिटी को, मिनॉरिटीज़ को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम लीग नून एशिया की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है जिसके पास मिनॉरिटी के 30,000 अहदेदार मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जब वज़ीरे आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपना अहदा संभाला तो आपने देखा होगा सबसे पहले उन्होंने इस बात को टारगेट किया कि जो लोग सही तरह से मिनॉरिटी के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते उनकी रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी कम्युनिटी को सही तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे, वो अपने ज़ाती मफादात में कहीं फंस कर रहे हैं। तो आज आपके सामने आपकी कम्युनिटी की एक नई क़यादत सामने है जो आपके दुख सुख में हर वक्त आपके साथ हैं। और उसके साथ साथ क्रिसमस हो, आपकी ईस्टर की खुशियाँ हों, वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हर वक्त आपके साथ हैं। मरियमाबाद में गई, क्रिसमस के लोगों को खुद चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम मिनॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उसकी सरपरस्ती करेंगी, ताकि हमारे इस कम्युनिटी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता हों। और मेरे कोलीग्स के अलावा मेरा चौथी दफ़ा असम्बली के अंदर ये एक्सपीरियंस है, मैं मेम्बर पार्लियामेंट बनी, तो मेरा चंद एक कोलीग्स के अलावा मेरा इस कम्युनिटी के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं रहा। लेकिन मरियम साहबा के विजन के मुताबिक, क्योंकि मैं पहले भी पार्टी को ऑर्गेनाइज पंजाब में कर चुकी थी, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप राहीदा मिनॉरिटी को ऑर्गेनाइज करें। तो जितनी मोहब्बतें मुझे पूरे पंजाब से मिनॉरिटी से मिली, आप यकीन करें कि मेरे अपने मुसलमान बहन भाइयों ने मुझे इतनी मोहब्बतें दी। ये उन मोहब्बतों का नतीजा है कि आज मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास इतने माशाल्लाह प्यार करने वाले इस कम्युनिटी के बहन और भाई, पढ़े लिखे लोग, PhDs, हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारे बुकला भाई, हमारे यूथ के बच्चे, स्कॉलरशिप्स लिए हुए बच्चे आज उस तमाम हमारी पार्टी के अहदेदारों में शामिल हैं। तो ये एक पहला कदम था हमारा आगे बढ़ने का। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने इन बहन और भाइयों को, मुझे मिनॉरिटी लफ्ज़ कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि असम्बली के अंदर ख़वातीन भी मिनॉरिटी में शामिल हैं, हम मेजॉरिटी में नहीं हैं, हम भी मिनॉरिटी में हैं। तो लेकिन क्योंकि मिनॉरिटी का मतलब है थोड़ी तादाद में होना, तो मैं इस वजह से कोई बुरा लफ्ज़ भी नहीं समझती। ठीक है, हम तादाद में थोड़े हैं लेकिन जज्बे में मेजॉरिटी से आते हैं। और जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं बच्चों को आगे बढ़ने की, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुस्लिम लीग नून का इस कम्युनिटी से वादा है कि हम हर तरह से हर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, हकूमती वसाइल को, हम इस मिनॉरिटी के तमाम कम्युनिटी के लोगों को इंशाल्लाह ताला ऐसे वसाइल प्रोवाइड करेंगे कि हमारे बच्चे किसी तौर पर भी पीछे ना रहे, चाहे वो तालीम का हो मैदान हो, चाहे स्पोर्ट्स के मैदान हो, चाहे हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए हो, या लोगों को नए सिरे से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए नए वसाइल की ज़रूरत हो। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी पाकिस्तान को बनाया,
اس کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون آپ کے لیے نئے اقدامات ایسے کرے گی جو آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس کمیونٹی کے لیے کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی ہماری حکومت کو آئے 3 سے 4 ماہ ہوئے, لیکن پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اس وقت ماشاء اللہ تعالیٰ سے وہ بڑی رائز کر رہی ہے, اور مہنگائی میں روز بر روز کمی آ رہی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے ہے, آنے والا بجٹ چاہے وفاق کا ہو یا پنجاب کے صوبے کا ہو, آپ کی کمیونٹی کے لیے اسپیشل طور پر ہم لوگ بجٹ ایلوکیٹ کروا رہے ہیں تاکہ نئے سے نئے ایسے وسائل پیدا کیے جائیں کہ ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کو تعلیم کے میدان میں سب سے آگے نکلنے کا موقع ملے. تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ ہمارا پنجاب, ہمارا پاکستان ترقی میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمسائے ممالک کو پیچھے چھوڑ جائے گا. بہت شکریہ, ایک دفعہ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گی. یہاں بیٹھی ہوئی بچیوں کا بہت شکریہ, آپ سب بھی بہت مہربان. کہ آج وائی ایم سی 180 سالہ اپنے خدمت کا جو انہوں نے ایک خوبصورت دور کا آغاز کیا اور آج بھی وہ اسی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں, یہ ادارہ یقیناً ہماری قوم کا فخر ہے اور بہت بڑا نام ہے کہ خدمت میں ہر میدان میں اپنے لوگوں کے لیے ہر دور میں بہت کچھ کیا ہے. تو ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں جیسے ابھی بھائی یہاں فرما رہے تھے, ہم بھی آپ کا پارٹ ہیں, آپ کا حصہ ہیں, آپ کی ٹیم ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. اور جو خدا نے ہمیں خدمت دی ہے, جس کام کے لیے چنا ہے, یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہاں بھی چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے رہتے ہیں, گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں, پاکستان بھی ہمارا گھر ہے, لیکن جو اکثریت کے ساتھ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں, جس پیار کی بھی بے شمار مثالیں ہیں. ایک سوچ ہے, جو سوچ کی وجہ سے خرابی آتی ہے, تو سی ایم صاحبہ اس کے لیے بڑی فکر مند ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا جب یہ سرگودا کا, تو سب سے پہلے وہاں میں اور میرے ساتھ میرے بھائی مانوال اتر جولیا صاحب جو ایم پی ہے, ہم دونوں پہنچے. پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو جنازے پہ بھی ہم دونوں موجود تھے. ہمارے اندر یہ جذبہ ہے, یہ جنون ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے کچھ کریں. تو سی ایم صاحبہ کے نوٹس میں تھا, انہوں نے اس پہ فوری نوٹس لیا, ڈی پی او کو, آئی جی کو, ہوم سیکرٹری کو وہاں بھیجا. تو کتنے زیادہ پولیس ملازم وہاں زخمی ہوئے ہیں اور ان کا بر وقت وہاں پہنچنے کی وجہ سے اور زیادہ کوئی بڑا وہاں نقصان نہیں ہو سکا, کیونکہ جب یہ لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر واجد ہیلا خاتون حسین صاحبہ کی سربراہی میں سی ایم صاحبہ کے ساتھ میٹنگیں چل رہی ہیں, وہ ایسا وہ ٹھوس حل نکالنا چاہتے ہیں کہ بر وقت جب کہیں کوئی ایشو ہو تو ایسا کوئی نظام ہو جائے کہ فوری اس کو وڈرا کر لیا جائے. یہ سوچ تو آہستہ آہستہ ختم ہوگی, جو یہ سوچ ہے اس پہ تو وقت لگے گا, لیکن اگر گورنمنٹ اپنا رٹ اتنی مضبوط کر لیں گریفتوں کے لیے کہ اقرار واقعہ سزائیں ہوں, قانون موجود ہے, تو پھر یقیناً اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام ہوگی. تو جلد خدا کے فضل سے ابھی تو ہمیں ہماری گورنمنٹ کو اور ہمیں بھی آئے 3 ماہ ہوئے ہیں, تو خدا کے فضل سے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر اپنے لوگوں کی, اپنی قوم کی آواز بن سکیں اور ان کی خدمت کر سکیں. بڑی خوشی ہوئی مجھے, اور دوبارہ پھر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کی محبت کا, اس عزت و فضائی کا بہت بہت شکریہ. I am تو میں نے بھی اپنے کیریئر کا فرسٹ ٹائم اسٹارٹ جو ہے 2018 سے وائی ایم سی میں ہی کیا. اس کے بعد سر امین السرفراز صاحب کی گائیڈنس میں میں نے بہت سارے بیوٹیشنس کے کورس ملیشیا اور تھائی لینڈ اور سری لنکا دبئی سے کیے. تو وائی ایم سی نے جہاں اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹیز کو اور بیوٹیشین کی فیلڈ کو لوگوں میں انٹروڈیوس کرایا, وہاں اپنے تمام ٹیچرس کو ایک
اچھا پلیٹفارم پرووائڈ کیا کہ جس میں وہ اپنی فیلڈس کو بھی اور اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم کر سکتے ہیں. ہیلو السلام علیکم, میں مسز افریدی بات کر رہی ہوں. میں سرفراز صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, ان کی مسز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اوارڈ دیا ہے, شکریہ کا, اور جو بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. میرا نام نیلم ہے, مسز جمیل بھی ہوں, اور ہم دو تقریباً 25 سال سے یہاں پر بیوٹیشن کا کام کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں ہم اچھا بچوں کو ورک کروا رہے ہیں, اور بچے سیٹسفائی بھی ہیں.